Hey everyone, welcome back. I'm Reshma Das and today I'm solely going to talk about the most important topic right now, which is immunity, jo abhi bahut charche mein hai and every one of the experts, doctors and everyone is recommending right now to boosten up our immune system, to boosten our immunity. So just go through this video. I'm sure you'll gain a lot of information regarding your immunity and how to go about it, how to acquire the right amount of immunity which your body needs. So just watch this video. I hope this will help you a lot. So before talking about anything else, I'm going to ask you a question, that what is antioxidant? हम लोग सब फेमिलियर है ना इस टर्म से, एंटीऑक्सीडेंट, लाइक लगाने से अच्छा है, खाने से अच्छा है. तो ये एंटीऑक्सीडेंट करता क्या है, क्या प्रोवाइड करता है ये एंटीऑक्सीडेंट हम लोग के बॉडी के लिए. एंड इन टुडेज वर्ल्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस टू नो दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट इन आवर बॉडी. लाइक एवरी वन शुड गेन दिस नॉलेज. So basically I'm giving you a very simple example. Like हम लोग films देखते हैं, right? Action films and बहुत सारे films देखते हैं. तो maximum films में हम देखते हैं there is a villain and a hero, right? तो villain क्या करता है, पहले बहुत मतलब मारपीट करता है, सबको तंग करता है, irritate करता है, damage कर देता है and बाद में hero आता है who comes and saves us from the villain. Exactly, the antioxidant is exact the same function of an hero which plays in our body. ये exactly a hero का काम करता है. ये हम लोग के body में जो villain है, I'll come to it, कौन villain है, उस villain से protect करता है antioxidant. ये villain कौन है, हम लोग के body में villain कौन है, ये villain is the free radical, जो ये सारा जो disease होता है, like lifestyle disease, whatever disease we acquire, this comes from free radical. ये मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा villain है. ये villain हम लोग के life में, daily life में हर रोज आता है, हर second आता है. जो aging होता है वो ये free radicals लाता है. जो diseases जैसे मैंने mention किया वो ये free radicals लाता है. जो degeneration होता है हम लोग के body में वो फ्री रेडिकल्स लाता है. तो ये सब कुछ आता है, ये सारा डिजीजेस आता है फ्री रेडिकल से. एंड फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस फ्री रेडिकल. ये फ्री रेडिकल आता कहां से है, ये आता है ऑक्सीजन से, दैट वी इनटेक. ऑक्सीजन इज गुड बट एट द सेम टाइम इट्स हार्मफुल. So it's impossible for us to get rid of this free radical. And जो ये free radical है, जो हम लोग oxygen के through intake करते हैं, ये और instigate होता है या और increase हो जाता है through pollution, our food habit, UV rays, etc. I'll give you a very simple example of what oxygen actually does. So, अगर हम लोग एप्पल लाए मार्केट से एंड अगर हम लोग उसको काट के रख दे तो कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा रेडनेस हो जाता है एप्पल में. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग एक लाइक फुल एप्पल रख दे उसके पास ही, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. बट जो कटा हुआ एप्पल होता है उसमें रेडनेस आ जाता है, रेड हो जाता है वो एप्पल. मतलब वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आया है इसलिए वो रेड हो गया है. दिस एवरी वन ऑफ अस नो, राइट? तो एप्पल ऑक्सीजन इनटेक लाइक वो ब्रीद नहीं करता है ऑक्सीजन. हम लोग ऑक्सीजन वी ब्रीद इन. एंड जैसे ऑक्सीजन इज अ लाइफ सेवियर, इट ऑल्सो इज अ मेन कॉज ऑफ आर डेथ और ऑफ डिजीजेस दैट वी अक्वायर इन आर बॉडी. एंड ये कौन सा रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन का नाम है ऑक्सीडेशन. एंड ये जानना इज वेरी इम्पोर्टेंट कि ये फ्री रेडिकल होता कैसे, ये जनरेट कैसे होता है. तो एज वी नो आर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल एंड हेंस फॉर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ एटम. I'll give a very simple example, like if my body has 2 lakh cells, then I have 4 billion atoms present in my body. So atom is present in our whole body.
when this reaction of oxidation occurs, जब free radical आता है हम लोग के body में, ये increase कर जाता है, like increased form में आता है, और ये increase कौन करता है? Like I've mentioned, UV rays, pollution, food habits, ये increase करता है हम लोग का free radical. एंड ये फ्री रेडिकल को और ज्यादा इंस्टिगेट और ज्यादा बढ़ाता है हम लोग का पॉल्यूशन, यूवी रेज, स्ट्रेस, पुअर न्यूट्रिशन. एंड इन सब से क्या होता है, फ्री रेडिकल हम लोग के बॉडी को इफेक्ट करता है, कॉजिंग अस कैंसर, अल्जाइमर, एजिंग, हम लोग का इम्यूनिटी सिस्टम डैमेज हो जाता है एंड मेनी 90 अदर डिजीजेस. हम लोग के बॉडी में एटम्स है एंड एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स रहता है एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज टुगेदर इन पेयर्स, लाइक दे कैन लिव विदाउट पेयर्स. ये अलग होगा तो इलेक्ट्रॉन्स मर जाएगा. तो ये फ्री रेडिकल क्या करता है, ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन्स को ब्रेक करने का कोशिश करता है, लाइक दे ट्राई टू, ये पेयर जो है ये पेयर को ब्रेक करने का कोशिश करता है, दे ट्राई टू टेक वन इलेक्ट्रॉन. सो अगर आप इस डायग्राम में देखे तो यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन एटम जो है वो एक कंप्लीट फॉर्मेशन में है, बट जब एक फ्री रेडिकल एंटर करता है एंड एक फ्री रेडिकल दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेने का कोशिश करता है तो इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है वो ब्रेक हो जाता है बिकॉज फ्री रेडिकल वो लेने का कोशिश करता है. सो ये ब्रेक के वजह से फ्री रेडिकल इफेक्ट्स आवर बॉडी. And like all we know, atoms are made up of electrons. So electrons always comes in pair. They can't live without pair. Agar alag hoga, to there's no chance of an electron to stay stable. So jabhi bhi ye oxidation hota hai, jabhi bhi oxygen hum log intake karte hai, to kya hota hai? Oxidation reaction ke karan, ye jo bond hai, ye jo pair hai electrons ka, ye toot jata hai. Ye तो इसमें एक फ्री रेडिकल आ जाता है. तो ये पेयर टूट गया इलेक्ट्रॉन्स का एंड एक फ्री रेडिकल फ्रॉम आउटर सोर्स आ जाता है. बिकॉज ये प्रोसेस होता है, बिकॉज ये सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है पूरा एटम्स का, बिकॉज एक एटम लूज कर जाता है तो वो दूसरा एटम को इफेक्ट करता है. तो ये जो डिसबैलेंस होता है और धीरे धीरे फैलता है, दिस इज अ वेरी कॉमन डिजीज दैट ऑकर्स वी नो, विच इज नोन एज कैंसर, जो एक जगह होता है एंड ये फैल जाता है. This is solely because of this process of atoms, like losing an atom and trying to gain an atom from another atom. So, ये process जो होता है, ये free radical से ही होता है. What does antioxidant do? Like I've mentioned, the antioxidant is totally a hero in our body. Why? Because ये जो free radical है, जो हम लोग के body में आ जाता है, ये free radical हमेशा एक healthy atom को disrupt करने का कोशिश करता है, electrons लेने का कोशिश करता है from an healthy atom. जब ये कोशिश करता है तो antioxidant क्या करता है, antioxidant आके उसको एक electron दे देता है. तो ये free radical ना healthy atom को disrupt करेगा, ये एक antioxidant से एक healthy electron लेके ये अपने में रहेगा. सो द इट विल नॉट डिसबैलेंस और इट विल नॉट हार्म एनी हेल्दी एटम. एंड दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन एंटी ऑक्सीडेंट वर्क्स. सो इन बिटवीन दैट इज द फ्री रेडिकल एंड वॉट अ फ्री रेडिकल ट्राइज टू डू, इट ऑलवेज अफेक्ट्स द हेल्दी एटम ट्राइंग टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट. वेन एन एंटी ऑक्सीडेंट कम्स इन कॉन्टैक्ट इन आर बॉडी, what it does, it provides an electron to the free radical and henceforth the free radical does not affect any healthy atom in our body. And we all, the Oriflame consumers, all of us are very lucky that we have astaxanthin with us. So what is astaxanthin? Astaxanthin is the most powerful antioxidant known to man. So, in Swedish beauty complex, we have astaxanthin. And astaxanthin is 6000% more effective than vitamin C and 100% more effective than vitamin E. So, this astaxanthin protects all the cells in our body and it also protects us from free radicals, which causes premature aging and diseases. So, this astaxanthin has the power to just give you the right amount of antioxidant your body needs.
And why do we need astaxanthin? Because if we consider this as a cell, विटामिन ई एंड विटामिन सी क्या करता है, ये बस ऊपर के पोर्शन पे काम करता है, दे कांट पेनिट्रेट थ्रू इट, इसके बीच में से नहीं जा सकता, बस ऊपर में काम करता है. बट एस्टाक्सांथिन क्या करता है, दे पेनिट्रेट्स थ्रू द सेल एंड इट गिव्स द इलास्टिसिटी, द प्रॉपर एंटी ऑक्सीडेंट दैट योर बॉडी विल नीड एंड विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द फ्री रेडिकल्स. सो देयर इज तो इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स भी डिसबैलेंस नहीं होगा एंड आपका सेल्स इंटैक्ट रहेगा. So this is how astaxanthin works. So as we can see in this, the cell where astaxanthin can penetrate, on the other hand, vitamin E and vitamin C are only present in the upper surfaces. And the strongest barrier in our body that we know is the blood-brain barrier. Astaxanthin can penetrate through blood-brain barrier also and just like keep your cells intact. सो बेसिकली ये एस्टाक्सांथिन किस किस चीज में हेल्प करता है, ये आपका स्किन कंडीशन में इम्प्रूव लाएगा, आपका हार्ट कंडीशन में इम्प्रूव लाएगा, लाइक यू कैन सी द डिफरेंस विद इन फ्यू मंथ्स, एंड आपका मसल जॉइंट पेन एंड एवरीथिंग, इससे आपको छुटकारा मिलेगा, इससे यू विल गेट इम्प्रूव, एंड ऑल्सो योर मेंटल हेल्थ. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो इस प्रोडक्ट में है, विच इज आपका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग बनाएगा, बहुत इम्प्रूव होगा आपका इम्यूनिटी सिस्टम, एंड इट विल ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी लाइक कफ एंड कोल्ड, लाइक सीजनल चेंजेस में कफ एंड कोल्ड होता है, ये सब होता है. सो ये क्या करता है, इट विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम ऑल दीज एक्सटर्नल डिजीजेस दैट वी अक्वायर. And in SBC or which we know as Swedish Beauty Complex by Wellness, यहाँ पे astaxanthin का सारा सोर्स तो प्रोडक्ट में मिलता ही है, और भी मिलता है ब्लूबेरी से. ब्लूबेरी में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है विच इज नोन एज anthocyanin. सो ये भी हम लोग को इस प्रोडक्ट में मिलता है. डिफरेंस बस एक है, astaxanthin इज फैट सोल्यूबल एंड ब्लूबेरी इज वॉटर सोल्यूबल. सो ये दो इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट का जो भी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है इस प्रोडक्ट में, यू गेट इट इन अ कैप्स्यूल. सो दीज आर द सोर्सेज एंड द कॉम्बिनेशन दैट यू गेट फ्रॉम SBC, विच इज ऑफ astaxanthin एंड bilberries और blueberries as we know in India. सो हम लोग के बॉडी में दो टाइप्स का बेरियर्स होता है, विच इज फैट एंड वॉटर. So what will this do, this Swedish beauty complex with astaxanthin and blueberry extracts, this will penetrate any barrier that your body has and will give you proper immunity that your body requires. So even this comes with a very handy bottle with 30 capsules in it. So daily aapko ek capsule lena hai with your omega 3 and Nutrishake. If you don't know what is omega 3 and Nutrishake, you can definitely go through my last videos where I've mentioned omega 3 and Nutrishake ka jo bhi functions hai. So, one glass of Nutrishake, two capsules of omega 3 and one capsule of SBC, which is Swedish Beauty Complex, you are good to go for your day and you are good to go for your life. So just try this, and if you have any questions or any queries regarding it, you can definitely ask me. I'm always there. So I would love to answer all your questions. So this was all on Swedish Beauty Complex, which is SBC. Thank you guys. I had a great time shooting this video.